ब्रॉट टू यू बाय इन्फिनिक्स। सड़क हाथापाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ लोग मिलकर एक युवक की बुरी तरह पिटाई कर रहे हैं। मौके पर उत्तराखंड के एक मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद हैं। वीडियो में दिख रहा है कि मंत्री प्रेमचंद ने एक युवक को थप्पड़ मारा, फिर उनकी सिक्योरिटी के लोग मिलकर शख्स की पिटाई करते हैं। वीडियो ऋषिकेश का बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और प्रदर्शन भी किया। एसएसपी देहरादून को मामले की निष्पक्ष जांच करने के आदेश मिले हैं। बता दें, प्रेमचंद अग्रवाल उत्तराखंड सरकार में वित्त, शहरी विकास और जनगणना मंत्री हैं। वो उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य भी हैं। आज तक से जुड़े कृष्ण गोविंद कंसवाल की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेमचंद अग्रवाल ऋषिकेश शहर से अपने आवास की तरफ जा रहे थे। सड़क पर लंबा जाम लगा हुआ था। इस दौरान वहां मौजूद समाज सेवी सुरेंद्र सिंह नेगी और मंत्री के बीच किसी बात पर कहासुनी हो गई। इस पर मंत्री के गनन ने गाड़ी से उतरकर सुरेंद्र के साथ मारपीट शुरू कर दी। प्रेमचंद अग्रवाल ने भी सुरेंद्र नेगी को थप्पड़ मारा, फिर मंत्री और उनके कुछ समर्थकों ने मिलकर सुरेंद्र को पीटा। इसके बाद पुलिस ने सुरेंद्र नेगी को हिरासत में ले लिया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद उत्तराखंड पुलिस हेडक्वार्टर ने एसएसपी देहरादून को सबूतों और तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच करने का निर्देश दिया है। इस प्रकरण पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया, सुरेंद्र नेगी ने गाली गलौज शुरू की, जिसके बाद सुरक्षाकर्मी ने उसे समझाया लेकिन वो नहीं माना। उसने मेरा कुर्ता फाड़ दिया, सुरक्षाकर्मी की वर्दी भी फाड़ी। उसके साथ एक और आदमी था, वो भी बदतमीजी करने लगा। इसके चलते ही बात मारपीट तक जा पहुंची। ये गुंडागर्दी है, हम पर आक्रमण हुआ है। वहीं सुरेंद्र नेगी ने एक फेसबुक लाइव कर दावा किया, साथियों, ये प्रेमचंद अग्रवाल ने यहाँ पर मेरे साथ हाथापाई करी। प्रेमचंद अग्रवाल के जो गनर हैं, इन्होंने करी। पुलिस के जो उनके साथ जो है, क्या नाम उसका, कौशल विजवान, इन्हें सरेआम यहाँ पर ज्योति विकलांग स्कूल जो है इसके सामने सरेआम बाजार में हाथापाई करी, मारपीट करी हमारे साथ। अब ये हमारे पर ही जो उल्टा केस करने को जा रहे हैं, ठीक है, पुलिस थाने ले जा रहे हैं उठा करके, ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं कि एक मंत्री गुंडागर्दी करता है, मुझे माँ बहन ही गाली देता है बीच सड़क में, कहता तू ऐसे तू वैसे, और कहता है तू पैसे खा रहा है। मैंने कौन से पैसे इस प्रेमचंद अग्रवाल से खा लिए, कौन से पैसे इस प्रेमचंद अग्रवाल ने मुझे दे दिए, और किस प्रकार से ये इस तरह का जो है झूठा आरोप लगा रहा है। इस मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला का कहना है कि प्रेमचंद अग्रवाल ने पहले भी कई लोगों से बदसलूकी की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त करने की मांग की है। मामले में अब तक कोई भी तहरीर नहीं दी गई है। इसके साथ इस खबर में इतना ही। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारी साथी ज्योति ने। मैंने हारिका यादव, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।